ओके सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग। क्या कभी कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप लोग अपने बाइक को कहीं पर लेके गए हो और आप लोगों के बाइक में से बेसिकली पेट्रोल गिरने लगे है? मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं बताता हूँ बेसिकली ये प्रॉब्लम है क्या। दरअसल आज से लगभग एक हफ्ते पहले की बात है, मैं अपने बाइक को बेसिकली लेके गया था मार्केट में। मार्केट में लेके जाने के बाद मैंने अपने बाइक को मैंने कहीं पर खड़ा किया था। कहीं पर खड़ा करने के बाद मैं अपने बाइक के नीचे देखता हूँ कि मेरे बाइक के नीचे बहुत सारा पानी गिरा हुआ है। एक्चुअल में वो पानी नहीं था, वो पेट्रोल था और पेट्रोल गिरा था बेसिकली मेरे बाइक के यहाँ से। ये वाला जो आप लोग पाइप देख रहे हो, ये वाला पाइप बेसिकली कार्बोरेटर से आता है ना। जितना भी एक्सेस पेट्रोल होता है ना कार्बोरेटर में, वो बेसिकली इस वाले पाइप से जो है वो निकलता है बाहर। इसको आप लोग एक टाइप का एक सेफ्टी मैकेनिज्म जो है वो आप लोग इसको कह सकते हो कि जिससे कि मतलब अगर आप लोगों के बाइक में अगर कार्बोरेटर में ज्यादा अगर फ्यूल अगर चला जाता है तो वो मतलब इस पाइप के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन ये मैकेनिज्म कभी कभी भारी भी पड़ जाता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप लोगों के बाइक में से अपने से जो है वो पेट्रोल गिरने लगता है। इस चीज को बेसिकली कहते क्या है, इस प्रॉब्लम को कहते हैं किसी भी बाइक का ओवरफ्लो होना। अगर आप लोगों ने ओवरफ्लो का अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा तो ओवरफ्लो बेसिकली आप लोगों के बाइक में से जो एक्सेस पेट्रोल होता है वो आप लोगों के बाइक में से बेसिकली नीचे के थ्रू से वो जो है वो निकल जाता है उसी पाइप की वजह से। बाइक ओवरफ्लो करने से आप लोगों के बाइक में बेसिकली काफी सारी प्रॉब्लम का आप लोगों को जो है वो सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि आप लोगों की बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट नहीं होने के साथ ही साथ आप लोगों के बाइक में से जो है वो ज्यादा पेट्रोल गिरने लगेगा। ज्यादा पेट्रोल गिरना ऑब्वियसली किसी भी बाइक के लिए जो है वो उसके माइलेज के लिए अच्छा नहीं होता। तो आप लोगों की बाइक का माइलेज कम हो रहा है, आप लोगों की बाइक जो है वो स्टार्ट भी नहीं होगी क्योंकि आप लोगों के बाइक के इंजन के पिस्टन में बेसिकली ज्यादा जो है उसमें पेट्रोल चला जाता है। तो उसमें कहीं पर भी ऑक्सीजन की उसमें जगह नहीं होती और ऑक्सीजन अगर नहीं होता तो आप लोगों की बाइक जो है वो कंबशन को बेसिकली वो क्रिएट नहीं कर पाएगी। इसके अलावा ये जो है ये काइंड ऑफ डेंजरस चीज भी होती है ना कि मतलब अगर आप लोगों के बाइक में से अगर पेट्रोल अगर गिरता है तो ऑब्वियसली उसमें मतलब आग वाग लगने के भी उसमें चांसेस होते हैं। स्पेशली मैं आप लोगों को किक का बता रहा हूँ क्योंकि किक मैं अपने बाइक में मारता रह गया लेकिन मेरी बाइक जो है वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ली। मेरे साथ ये जो प्रॉब्लम हुई थी इसमें मतलब मैं काफी ज्यादा डर गया था है ना। मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या बाइक में कि बाइक तेल छोड़ने लगती है ना, क्योंकि मतलब मेरे इस वाले बाइक में ऐसा पहले कभी भी नहीं होता। तो अब ऐसा हुआ तो मैं डर गया और मैं अपने बाइक को मैं तुरंत लेके गया भाई मैकेनिक के पास। तो उसने मेरे को बताया कि ये जो ओवरफ्लो की कंडीशन होती है काफी ज्यादा नॉर्मल होती है, स्पेशली रेनी सीजन में। अगर कोई भी अगर रेन अगर हो रही होती है ना या फिर बारिश अगर हो रही होती है जिससे कि मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की बाइक जो है वो ओवरफ्लो कर जाती है। बहुत ही ज्यादा नॉर्मल कंडीशन थी, उसने मेरे को ऐसा बताया था। मैंने भी अपने तरफ से इसके ऊपर मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये जो चीज है ये इसके कुछ इसके रीजंस होते हैं जिसके वजह से ये जो प्रॉब्लम होती है आप लोगों की बाइक में आ सकती है। जैसे कि अगर आप लोग जहाँ पर अपने बाइक को रखे हुए वहाँ पर अगर बारिश अगर होती है तो बारिश से क्या होता है कि जितना भी एटमोसफेयर होता है वो पूरा ह्यूमिडिफाई हो जाता है ना, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से कभी कभी ये जो प्रॉब्लम होती है आप लोगों की बाइक में आती है। इसका जो दूसरा रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि अगर आप लोगों की बाइक अगर सर्विस अगर नहीं हुई है, सर्विस इन द सेंस कि अगर आप लोगों की बाइक का जो कार्बोरेटर है वो अगर साफ अगर नहीं है तो उसके वजह से भी ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों की बाइक में आती है। मेरा बाइक का कार्बोरेटर बाय द वे एकदम ओके है ना, एकदम 100% एकदम क्लीन है, लेकिन बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से बेसिकली मेरे बाइक में जो है वो ये वाली प्रॉब्लम आई थी। तो दूसरा रीजन तो बेसिकली सर्विस होती है कि आप लोगों की बाइक का जो कार्बोरेटर वो साफ नहीं है। तीसरा इसका एक और इसका रीजन होता है बेसिकली आप लोगों की बाइक के कार्बोरेटर में ना एक इतनी बड़ी सी पिन एक होती है, वो अगर पिन मतलब वो इस चीज को कंट्रोल करने का काम करती है कि अगर मतलब ज्यादा पेट्रोल जो है वो आप लोगों की बाइक में से ना गिरे। तो ये वाली जो पिन है ये अगर कभी भी अगर टूट जाती है या फिर मतलब इस वाली पिन में अगर कुछ अगर प्रॉब्लम आ जाती है, बेंड कुछ भी हो जाता है इसमें, तब इस चीज की पॉसिबिलिटी होती है कि आप लोगों की बाइक का जो कार्बोरेटर है वो मतलब ओवरफ्लो कर देता है। मतलब आप लोगों की बाइक में जितना भी पेट्रोल है उन सबको उठा के फेंक देता है कि भाई तुम जाओ बाहर, मेरे से मतलब नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी वो पिन जो है वो टूटी हुई है। सो ये तो बेसिकली रीजन हो गए कि जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक में अब पेट्रोल जो है वो इस वाले पाइप के रास्ते से जो है वो बाहर निकल जाता है। अभी इस चीज को जो है वो प्रिवेंट इसको कैसे किया जा सकता है? देखो इस चीज को प्रिवेंट
तो किया नहीं जा सकता है ना, क्योंकि ये जो एक मैकेनिज्म होता है एकदम प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, जैसे आप लोगों के बाइक का किक वर्क करता है, जैसे आप लोगों के बाइक का एक्सेलेरेटर क्लच वर्क करता है, वैसे ही ये भी जो मैकेनिज्म होता है ये भी वैसे ही वर्क करता है। इस चीज को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। अगर आप लोगों की बाइक अगर एक्सेस में अगर ओवरफ्लो अगर कर रही है ना, नॉर्मल अगर कर रही है, तो उसमें मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, वो बाइक को ऐसे ही छोड़ दो, धूप में छोड़ दो, है ना, वो जो चीज है वो आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। जैसे जैसे आप लोगों की बाइक में जो भी मतलब एक्सेस पेट्रोल है वो जैसे निकलता जाएगा, है ना, आप लोगों की बाइक के इंजन में से या फिर आप लोगों की बाइक के कार्बोरेटर में से, तो मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ज्यादा तेल ना बहे आप लोगों की बाइक में से, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप लोग ये जो पाइप देख रहे हो ना, इसको आप लोग नॉट इसको बांध दो, है ना, इसको मतलब एकदम बंद इसको कर दो। उसको बांधने से क्या होगा ना कि मतलब आप लोगों की बाइक में से पेट्रोल जो है वो गिरेगा नहीं, और आप लोगों की बाइक के इंजन और कार्बोरेटर में जो भी फ्यूल है वो अपने से इवेपोरेट हो जाएगा, अगर आप लोगों अपने बाइकों को धूप में अगर रखोगे तो इस चीज को आप लोग प्रिवेंट कर सकते हो कि ज्यादा आप लोगों का बाइक का तेल जो है वो खर्चा ना हो। एक और काम करना है आप लोगों को, अपने बाइक का जो नॉब है ना, ऑब्वियसली अगर आप लोगों की बाइक में अगर कार्बोरेटर है ना, तभी ये वाली प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों की बाइक में आएगी। तो ये जैसे आप लोग जो ये वाले जो फ्यूल नॉब देख रहे हो ना, बाइक का ओवरफ्लो रोकने के लिए इस फ्यूल नॉब को हमेशा ऑफ पेस को रखो। अगर आप लोगों की बाइक अगर खड़ी है, तो जैसे कि मान लो अगर मेरी बाइक अगर इस समय को ओवरफ्लो अगर कर रही है, तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि इस वाले फ्यूल नॉब को मैं एकदम मतलब ऑफ पेस को मैं लाके छोड़ दूंगा, है ना, जैसे कि इस समय है। उसके बाद ये जो चीज है इसको मैं बांध दूंगा, ये जो पाइप है जहाँ से तेल निकलता है, और उसके बाद मैं अपने बाइक को बेसिकली धूप में छोड़ दूंगा, जिससे कि मतलब जितना भी पेट्रोल है मेरे बाइक के इंजन या फिर कार्बोरेटर में वो अपने से इवेपोरेट हो जाए। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ये आप लोग तभी करो जब आप लोगों की बाइक जब एक्सेस में जब ओवरफ्लो करे, है ना, मतलब एक्सेस में आप लोगों की बाइक जो है वो पेट्रोल को फेंके बाहर, तब जो है वो आप लोग इस चीज को आप लोग यूज कर सकते हो। अगर एक्सेस में अगर आप लोगों की बाइक में से अगर तेल अगर नहीं गिरता है, तो इस चीज को जो है वो आप लोगों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, है ना। अगर नॉर्मल अगर ओवरफ्लो अगर आप लोगों की बाइक हो रही है, एक एक बूंद अगर गिर रहा है, तो वो मतलब नॉर्मल चीज है, वो नॉर्मल प्रोसीजर है बाइक का, जिससे कि मतलब आप लोगों की बाइक जो है वो अच्छे से चल पाए। तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो है वो ये सब चीजों को आप लोगों को यूज नहीं करना है कि आप लोगों को नहीं इसको बांधना है, नहीं आप लोगों को कुछ भी करना है। मतलब पेट्रोल का नॉब आप लोग जो है वो भले ही उसको बंद कर सकते हो, लेकिन इस चीज को आप लोग को बांधना नहीं है, अगर एक एक बूंद अगर पेट्रोल अगर गिर रहा है तो। लेकिन अगर ज्यादा का पेट्रोल गिर रहा है ना, तो आप लोग जो है वो ये दो तीन काम जो है वो आप लोग कर सकते हो, जो कि मतलब मुझे भी नहीं पता था, है ना, मुझे मतलब मैकेनिक ने बताया कि भाई ये काम कर दो। और जब भी अपने बाइक को जब भी कहीं पर खड़ा करो, है ना, तो मतलब किसी भी कंडीशन में खड़ा करो, तो हमेशा बाइक का जो फ्यूल नॉब है ना, उसको हमेशा ऑफ पे उसको कर दो, उसको कभी भी उसको ऑन पे नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कि मतलब ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो वो प्रिवेंट हो सके और आप लोगों की बाइक में से ज्यादा पेट्रोल जो है वो वेस्ट ना हो। सो चलो गाइस, आज की वाली वीडियो थी बेसिकली बाइक के ओवरफ्लो से रिलेटेड, है ना, क्योंकि मतलब मेरे बाइक के साथ ऐसा हुआ कि मेरे बाइक का जो तेल है वो अपने से गिरने लगा, तो मैं काफी ज्यादा मैं घबरा गया था कि ऐसे क्या ऐसा हो गया, है ना, ऐसा पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था मेरे बाइक में, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मतलब मैं डर गया था। तो इसी वजह से मैं ये वाली वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मतलब आप लोग जो है वो डरो मत, अगर आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है, या फिर मतलब आप लोग ये बाइक में से अगर ज्यादा अगर तेल गिर रहा है, तो उसका मैंने आप लोगों को मैंने सोल्यूशन बताया कि मतलब बेसिकली आप लोगों को जो है वो क्या करना है अपने बाइक में उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए। मेरे साथ ये वाली चीज हुई थी, है ना, तो मतलब मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि यार कुछ नहीं होता है, सब नॉर्मल होता है ना। अगर ज्यादा अगर पेट्रोल गिर रहा है, तो मतलब बाइक को धूप में रख दो और ये इसको बंद कर दो, उधर भी बंद कर दो, है ना, जो जो मैंने बताया वो सब करो आप लोग, जिससे कि अगर आप लोग ये बाइक अगर ज्यादा ओवरफ्लो कर रही है ना, एक्सेस में अगर ओवरफ्लो कर रही है, तो मतलब उस चीज को आप लोग जो है वो प्रिवेंट कर सको। बहुत ही ज्यादा नॉर्मल प्रोसीजर होता है यार, है ना, कोई भी मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है इसमें, हर बाइक ओवरफ्लो करती है कभी ना कभी, है ना, हर बाइक में ऐसा होता ही होता है। अगर आप लोगों की बाइक में अगर कार्बोरेटर है, तो ये चीज जो है ये डेफिनेटली आप लोगों की बाइक के साथ कभी ना कभी होगी, तो उस चीज के लिए आप लोग जो है वो प्रिपेयर रहो, स्पेशली ओल्ड बाइक के साथ ये जो है ये ज्यादा होता है। तो चलो गाइस, अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी या फिर अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वाली वीडियो को जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी टुमारो। बजाज V15 है, प्रॉब्लम आती रहती है, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम जो है ये बेसिकली सारी बाइकों में आती है ना, हर कार्बोरेटर वाली बाइक में ये प्रॉब्लम जो है वो आती है। इसी वजह से हर समझदार इंसान कहता है कि ये जो फ्यूल नॉब है उसको हमेशा ऑफ पे उसको छोड़ दो, अगर आप लोग ये बाइक अगर खड़ी है तो। चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी टुमारो। मैं बताऊं आप लोग सब कल, बाय बाय।